आप सबको पता है जयपुर में 2008 में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें अनेक स्थानों पर कुछ दुनिया के अमानवीय लोगों द्वारा लोगों की हत्या की साजिश की गई थी। उसी में एक स्थान था जयपुर के सांगानेरी गेट के नज़दीक बसा हनुमान मंदिर। बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर में अनेक लोग दर्शन के लिए आते हैं। जिस दिन यह बम ब्लास्ट किया गया उस दिन भी वहां अनेक लोग दर्शन करने आए थे। अब कईयों को तो अपनी जान गंवानी पड़ी, पर एक भक्त ने अपने जीवन का रहस्यमय अनुभव हमें लिखकर भेजा है। उन्होंने लिखते हुए बताया, नियम के अनुसार जैसे मैं उस मंदिर में दर्शन करने जाता था, आज प्रातःकाल मन में विचार हुआ प्रातःकाल दर्शन करके आऊं। वैसे तो मैं रात्रि के समय दुकान से लौटते समय वहां से दर्शन कर अपने घर चला आता था, पर आज पता नहीं प्रातःकाल उठते ही मन में एक विचार होने लगा, प्रभु आज मुझे रात को हो सकता है काम हो, इसलिए मैं आपके पास सुबह को ही दर्शन करके अपने काम पर निकल जाऊंगा। अब मन में ऐसे प्रेरणा चल रही थी तभी अचानक से माताजी ने कोई काम बता दिया। मैं मंदिर जाना भूल गया। मैंने सोचा ठीक है, अब काम निपट जाएगा, दिन को या रात्रि के समय मंदिर से होकर आऊँगा। तभी मैं अपनी दुकान पर बैठा था, एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे बाबूजी कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ। उसने कहा, और बताओ कैसा चल रहा है? मैंने कहा सब परमात्मा की कृपा है। तब उसने अचानक से कहा, हाँ हनुमान जी बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों की हरदम संभाल करते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति ने श्री हनुमान जी का नाम लिया मुझे याद आ गया, अरे मुझे तो दर्शन करने जाना था पर माताजी के काम के कारण मैं दर्शन नहीं करा सका, सोचा रात्रि के समय जाऊंगा। तब मैं विचार मग्न हो गया। तब उस व्यक्ति ने कहा, क्या सोचते हो, मन में क्या चल रहा है? तब मैंने उसे सारी बात बताते हुए कहा, अरे मुझे आज भगवान हनुमान जी के दर्शन करने जाना था। वैसे तो मेरा नियम है मैं शाम के समय दर्शन कर अपने घर चला जाता हूँ, पर आज प्रातःकाल से ऐसा एक खिंचाव हो रहा था कि अभी का अभी दर्शन करके अपने काम पर जाऊँ। तब वह व्यक्ति कहने लगा, इसमें सोचने की क्या बात है, अभी चले जाओ। अभी किसने मना थोड़ी किया है, मंदिर खुला है, दर्शन करके आ जाना। इस प्रकार वह मुझे समझा कर आगे की ओर निकल गया। मैं विचार करने लगा, यह कौन था? लगता तो जाना पहचाना है पर बहुत कम मिलना होता है, पर इस प्रकार सिर्फ हनुमान जी की बातें करके आगे निकल गया, कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने नौकर को बुलाकर कहा, थोड़ी देर दुकान की संभाल करना, मैं मंदिर से होकर आता हूँ, क्योंकि कभी कभी मन इतना बेचैन हो जाता है जब तक परमात्मा के दर्शन न हो जाएं शांति मिलती नहीं है। ऐसा सोचकर मैं अपने नौकर को दुकान का सारा काम समझा मंदिर के लिए निकल गया। मुझे तो पता ही नहीं था उस दिन मेरे साथ एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है, जिसे याद करके आज तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उस समय शाम के 4 बजे थे। मैं मंदिर पहुँचा, आराम से दर्शन किया और हनुमान जी की ओर देखकर कहने लगा, प्रभु आप बड़े विचित्र हो, अपने भक्त को जब बुलाना चाहो तब बुला सकते हो। ऐसा ही प्रेम था, प्रातःकाल बुला लेते, पर यह भी अच्छा किया, इस समय आपका दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। भगवान को प्रणाम कर हनुमान चालीसा का पाठ कर मैं अपनी दुकान पर वापस लौट आया। मैं दुकान पर बैठा था तभी अचानक से शहर में भगदड़ होने लगी। उस समय शाम के 7 या 7:30 बजे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तब किसी ने भागते हुए कहा, जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, पता नहीं कहां कहां बम फट रहे हैं। अभी इस प्रकार मैं उससे बातें ही कर रहा था तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आया, कहने लगा तुम्हें पता है क्या हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ है बताओ। तब उसने कहा, सांगानेरी गेट के नज़दीक जो हनुमान मंदिर है उस मंदिर के बाहर बम फटा है, बहुत लोग मारे गए हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया। वह व्यक्ति यह बात बताकर वहां से भाग गया। मैंने भी जल्दी दुकान बंद की और अपने घर आया। जैसे ही घर पहुंचा माताजी मुझे देखकर पूछने लगी, बेटा उदास क्यों हो?
मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। माताजी ने कहा, बेटा क्या बात है? मैंने उन्हें बताया, माँ आज शहर में बहुत जगह पर बम धमाके हुए हैं, बहुत लोगों की मौत हो गई थी। माताजी ने कहा, मैं अभी अभी टीवी देख रही थी, मुझे तेरी चिंता होने लगी। मैं सोच रही थी तू भी रात्रि के समय या शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाता है, यह सोचकर मेरा जी बैठा जा रहा था, पर मेरे पास फोन नहीं था इसलिए तुझे लगा न सकी। पर इतने में दरवाजे की घंटी बजी, तुझे देखकर मेरे मन को तसल्ली आ गई कि मेरा बेटा सुरक्षित है। अपनी माँ की यह बातें सुनकर मेरे आँखों से आंसू आने लगे। मुझे देखकर माता ने कहा, क्या हुआ, रोते क्यों हो, किस बात के लिए रो रहे हो, सब कुछ ठीक है? तब मैंने रोते हुए अपनी माता से कहा, माँ भगवान हनुमान जी बड़े दयालु हैं, अपने भक्त की स्वयं सुरक्षा करते हैं। इतने में मेरी धर्मपत्नी भी मेरे नज़दीक आकर पूछने लगी, क्या हुआ, इतना क्यों रो रहे हो? तब मैंने रोते हुए कहा, हनुमान भगवान बड़े दयालु हैं, वह हर समय अपने भक्त की रक्षा करते हैं, तुम्हें क्या बताऊं? आज प्रातःकाल से मेरे मन में हो रहा था मैं प्रातःकाल को हनुमान जी के दर्शन करके आऊं, पर माता जी ने कोई काम बताया इसलिए दर्शन की बात दिमाग से दूर हो गई। फिर अचानक से दुकान पर एक अनजान व्यक्ति आया, उसने बातों ही बातों में हनुमान जी की बात निकाली और बात निकलते ही उसने खुद सामने से कहा, अरे क्यों चिंता करते हो, अभी जाकर दर्शन करके आ जाओ। उस समय सायं के 4 बजे थे। मैंने सोचा इस समय जाना उचित है या नहीं है, पर फिर भी अपने नौकर को काम संभला कर मैं दर्शन करने चला गया और दर्शन कर वापस आया। दुकान पर बैठा था तभी इतने में सब तरफ से आवाज़ें आने लगी, जल्दी घर जाओ, जल्दी घर जाओ, बहुत बम फट रहे हैं। मैं घर लौट कर आया। अब जब मैंने टीवी पर सारी हकीकत देखी कि हनुमान मंदिर के बाहर बम ब्लास्ट हुआ है, तो यह बात देखकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि जिस स्थान पर बम ब्लास्ट हुआ था वहीं पर मैं अपना स्कूटर खड़ा करता था और कुछ देर अपने साथियों के साथ वहीं खड़ा होकर उनसे बातें किया करता था। अगर आज मुझे हनुमान जी शाम को 4 बजे नहीं बुलाते तो मैं रात्रि के समय या सायंकाल उस समय दर्शन करने जाता। हो सकता था अगर मैं उस समय दर्शन करने जाता, बम फटता तो मेरी भी जान जा सकती थी। यह परमात्मा ने बड़ी विचित्र लीला कर, भगवान हनुमान जी ने दया कर मुझे जीवन दान दिया है। यह बातें सोचकर उनकी कृपा की तरफ नज़र रख मेरी आँखों से आंसू आ रहे हैं। उसकी यह बातें सुनकर माता के नेत्रों में भी जल आ गया। वह कहने लगी, बेटा भगवान बड़े दयालु हैं, वह हर समय अपने भक्त की रक्षा करते हैं। मैं तुझे एक बात कहती हूँ, मेरा जीवन तो समाप्त हो जाएगा, मैं इस संसार में रहूँ या न रहूँ, तू कभी भी हनुमान जी के मंदिर जाना मत छोड़ना। अभी तक निरंतर मैं हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके आता हूँ, मेरे मन की जो पीड़ा होती है उनके दर्शन से समाप्त हो जाती है। तो ऐसे परम दयालु श्री राम भक्त हनुमान जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।